हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर का एग्जांपल नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो एग्जांपल नंबर 5 पर जाने से पहले इस एग्जांपल पर बेस प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसे ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी का इस एग्जांपल में भी यूज होगा और फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से आप सॉल्व करेंगे। लुक एट द प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी। आई टोल्ड यू अबाउट रैशनल नंबर्स। फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी, ए इंटू ये ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे ए बी, प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से करेंगे ए सी। ये तो हो गया एडिशन का केस। और अगर ए सेकेंड है, ए इंटू बी माइनस सी है, तो ये किसके बराबर होगा, ए जब बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम एग्जाम्पल 5 डिस्कस करेंगे। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई माइनस, ये जो माइनस का सिंबल है ये बिल्कुल सेंटर में होगा। देखिए फाइंड अगेन, फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक ऐसा रेशनल नंबर है जो रिपीट हो रहा है, वो है -3/7। ये -3/7 यहाँ पर दोबारा आया हुआ है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप रहेगा, इसको दोबारा से हम अरेंज करेंगे। सो बाय रीअरेंजिंग, दोबारा से अरेंज करेंगे। क्यों करेंगे, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म बन जाएगी अगर हम इसे दोबारा से अरेंज करते हैं। तो 2/5 एज इट इज, -3/7 एज इट इज, जो -3/7 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5, ये पूरा का पूरा आगे आ जाएगा और -1/14 पीछे चला जाएगा। क्यों ऐसा किया हमने, पेयर का पेयर हमने आगे क्यों लिया, क्योंकि ध्यान से देखिए ये फॉर्म बन जाएगी ए बी प्लस ए सी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ए बी माइनस ए सी। अब ए क्या है, ए जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, -3/7। तो दोनों में जो कॉमन है -3/7 उसे हम कॉमन ले लेते हैं। अब -3/7 हमने कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब इस पूरी टर्म को, पूरी टर्म कौन सी, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, ये जो हमने कॉमन लिया है -3/7, इसी से डिवाइड करिए -3/7 से। ये -3/7 से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्या रह जाएगा 2/5। फिर इसी तरीके से इस टर्म को भी -3/7 से आप डिवाइड करिए। देखिए -3/7 मल्टीप्लाई 3/5 बाय -3/7, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस वाला माइनस से भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, प्लस का 3/5 और माइनस का 1/14 वहीं पर रह गया जहां पर हमने उसे लास्ट में रखा हुआ है। तो अब देखिए हमारे पास कौन सी फॉर्म निकल के आई, ए कॉमन आ गया बी प्लस सी, ए कॉमन आ गया बी प्लस सी, आपको ये फॉर्म दे रखी थी और हमने इस फॉर्म से ये फॉर्म बना दी, ए कॉमन लेके बी प्लस सी। तो ए अपनी जगह पर है, इसको आप एलसीएम लेने, देखिए 2/5 प्लस 3/5 सेम डिनोमिनेटर है 5, तो 5 तो डिनोमिनेटर ही रहेगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा यहाँ पर। फिर -3/7 -1/14 को हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम 7 और 14 का, जो कि आएगा 14। फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 14 को, 7 2 14, और जो कोशेंट आएगा उससे न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 6, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस का 6 आ जाएगा। 14 से 14 को डिवाइड किया आंसर आएगा 1, फिर 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 ही रह जाएगा, -6 और -1 को हम ऐड करेंगे लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा, और ये ऐड होके माइनस का 7 आ जाएगा। अपॉन में कितना था 14 था, और 7 की टेबल में 14 कहाँ पर आता है 2 पर आता है, अभी कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 7 2
14, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 1/2। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इस प्रॉपर्टी को समझना बहुत जरूरी है। इसी टाइप से आपको एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है तभी आप वो क्वेश्चन ट्राई कर पाएंगे। दोबारा से ध्यान दे लीजिए एक बार, हमने क्या अरेंजमेंट किया है, पेयर फर्स्ट पेयर के साथ जो लास्ट में पेयर दे रखा है उस पेयर को ले लिया और इसको लास्ट में कर दिया। ये वाली फॉर्म बनाई है हमने ए बी और ए सी की, ए बी प्लस ए सी वाली, इन दोनों में से कॉमन आ गया माइनस का 3/7। मीन्स ए कॉमन आ गया, बी प्लस सी बच गया, बी की जगह 2/5 आया और सी की जगह 3/5 आया। फिर इसके बीच में जब कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों को ऐड किया 5 आ गया, डिनोमिनेटर भी 5 था। फिर इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आ गया माइनस का 1/2। थैंक यू।